एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे क्रोकस सैटाइवस मेडिसिन को एलन्स की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रोकस सैटाइवस जो मेडिसिन है, कॉमन नेम इसका सेफ्रोन है, आयरिडियसिस की फैमिली है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीमेल रेमेडी है क्रोकस सैटाइवस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंटल सिम्टम्स से। फ्रिक्वेंट और एक्सट्रीम चेंज इन सेंसेशंस, बहुत ही ज़्यादा हर सेंसेशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस रहेंगे, जैसे कि सडन फॉर्म द ग्रेटेस्ट हिलेरिटी टू डिस्पेट डिस्पोंडेंसी, कभी एक टाइम में बहुत ज़्यादा खुश है तो कभी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई है वो। ऐसे सिम्टम हमको इग्नेशिया नक्स मोशाटा में भी देखने को मिलते हैं। एक्सट्रीम चेंजेस इन सेंसेशंस, ठीक है, एक्सेसिवली हैप्पी अफेक्सिनेट वॉन्ट टू किस एवरी बॉडी, ठीक है, एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा खुश है वो, सबको किस करना चाहती है, बट द नेक्स्ट मोमेंट इन अ रेज, ठीक है, नेक्स्ट मोमेंट में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, इतनी ज़्यादा चेंजेबल, इतनी ज़्यादा उसके मूड स्विंग्स हैं। फिजिकल जनरल्स में है हैमरेज फॉर्म एनी पार्ट, ब्लैक कलर का रहेगा, विसिड रहेगा, क्लोटेड रहेगा, फॉर्मिंग इनटू लॉन्ग ब्लैक स्ट्रिंग हैंगिंग फ्रॉम द ब्लडिंग सरफेस, ठीक है, जो हैमरेज का कैरेक्टर रहेगा काले कलर का रहेगा, क्लोटेड रहेगा और स्ट्रिंग्स में रहेगा लंबी लंबी, जो ब्लीडिंग सरफेस है वहाँ से ऐसा हैंग डाउन करेगा। तो इलेप्स में भी ये सिम्टम है, स्ट्रिंगी ब्लड हैंगिंग फ्रॉम दी ब्लीडिंग सरफेस। सेंसेशन में देखते हैं एज इफ समथिंग अलाइव और मूविंग इन स्टमक, ठीक है, उसको स्टमक में ऐसा लगता है कि कुछ मूव कर रहा है, एब्डोमन में, यूट्रस में, आर्म्स में और बॉडी के अदर पार्ट्स में भी, ठीक है। सबाडिल्ला, थूजा और सल्फर में ये सिम्टम होता है, समथिंग अलाइव और मूविंग, ठीक है, विथ नोजिया और फैंटनेस भी है। क्रोकस में हेड सिम्टम की बात करते हैं तो हेडेक होता है, क्लाइमेट्रिक, ठीक है, जब मेंसेस जाने वाले होते हैं उस पीरियड को हम क्लाइमेट्रिक पीरियड बोलते हैं, उसमें थ्रोबिंग पल्सेटिंग सेंसेशन होते हैं जो कि एग्रावेटेड होते हैं 2 or 3 days ऑफ एकस्मस्ट मैंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, 2-3 दिन पहले, जब मेंसेस 2-3 दिन पहले आते हैं तब उसको हेडेक होना चालू हो जाता है, नर्वस मेंस्ट्रुअल हेडेक होता है उसको बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर द फ्लो, ठीक है, तीनों टाइम में नर्वस हेडेक होता है उसको। लैकसिस लीलियम, ठीक है, सिकल को में भी सिम्टम है, बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर मेंसेस में हेडेक का सिम्टम। आई सिम्टम की बात करते हैं तो आई में सेंसेशन एज इफ रूम वर फिल्ड विद स्मोक, ऐसा लगता है कि पूरे रूम में स्मोक है, और एज इफ हैड बीन वीपिंग, ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा रो लिया है, एज इफ कोल्ड विंड ब्लोविंग अक्रॉस द आईज, आँखों में ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। क्लोजिंग लिड्स टाइटली गिव्स एम्ब्लुरेशंस, ठीक है, आँखों को एकदम टाइट बंद करने से उसको एम्ब्लुरेशन होता है, आराम मिलता है। नोज़ की बात करते तो नोज़ में होगी नोज़ ब्लीडिंग, तो नोज़ ब्लीडिंग में जो ब्लड का कैरेक्टर होगा वो ब्लैक टेनिशियस स्ट्रिंजी होगा, एवरी ड्रॉप कैन बी टर्न इनटू द थ्रेड, ठीक है, ऐसा जितना भी ब्लड निकलेगा वो पूरा ऐसा थ्रेड टाइप का हो जाएगा, विथ कोल्ड स्वेट इन अ लार्ज ड्रॉप ऑन अ फोरहेड, पूरे फोरहेड पे बड़ी बड़ी स्वेट की ड्रॉप्स रहेगी ठंडी, कोल्ड स्वेट बट वॉन्ट टू बी फेंट, ठीक है, कोल्ड स्वेट तो है लेकिन फेन चाहिए, और ब्राइट रेड कलर का ब्लड है तो कार्बोवेज मेडिसिन वहाँ पे इंडिकेटेड रहेगी, और अगर कभी ब्लैक कलर का है और स्ट्रिंजी है तो क्रोकस मेडिसिन है। इन अ चिल्ड्रंस हु डेवलप टू रैपिडली, ऐसे बच्चे जो कि बहुत जल्दी से बड़े हो रहे हैं, ठीक है, उनमें नोज ब्लीडिंग है। कैल्केरिया और फॉस्फोरस भी रेमेडी है इस टाइप की कंडीशन के लिए, चिल्ड्रंस हु डेवलप टू रैपिडली। देखेंगे हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिसमिनोरिया होता है, पेट दर्द होता है, जब मेंसेस का फ्लो ब्लैक और स्ट्रेंजी क्लोटेड हो तब आप अपनी क्रोकस दे सकते हो। अस्ट्रीलिगो में भी सिम्टम है क्लोटेड मेंसेस। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो कोरिया होता है, हिस्टीरिया होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हिलिरिटी के साथ आता है, सिंगिंग होगी, डांसिंग होगी पूरी बॉडी में जो कि अल्टरनेटिंग हो जाएगी कभी कभी, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस और गुस्से में, मेलनकोनी और रेज में, ये बहुत ही कीनोट सिम्टम है क्रोकस का।
स्पास्मोटिक कॉन्ट्रेक्शंस होती है, ट्वीचिंग होती है पूरी सिंगल सेट ऑफ मसल्स में, ठीक है। तो सिंगल सेट ऑफ मसल में ट्वीचिंग हमको एगेरिकस, इग्निशियस, जिंकम और एक्कोनाइट में देखने को मिलती है। रिलेशन में देखेंगे हम लोग तो नक्स वोमिका, पल्सेटिला, सल्फर फॉलो करती है क्रोकस को वेल इन नियरली ऑल कंप्लेंस। इसको कंपेयर कर सकते हैं हम मेंस्ट्रुअल डिरेंजमेंट में ऑस्टिलिगोस से। तो ये थी रेमेडी क्रोकस सैटिवस फ्रॉम एलन्स कीनोट मटेरिया मेडिका। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।